देखिए बच्चों, आज मैं आपको घर्षण के बारे में, वैसे मैंने क्लास में पढ़ा दिया है, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि घर्षण से क्या मतलब हुआ। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो उन तलों के खुरदरेपन के कारण संपर्क तल पर एक बल कार्य करने लगता है, जिससे हम क्या कहते हैं, वस्तु का घर्षण बल कर कहते हैं, और यह क्या कहता है, गति का विरोध करता है। अब उसके बाद घर्षण बल की उत्पत्ति क्या है इसको आप देख लेंगे। घर्षण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थिर स्थैतिक, जिसे आप कहते हैं, दूसरा होता है सीमांत घर्षण, और तीसरे प्रकार का होता है गति घर्षण। ये आपको इसके नियम मिल जाएंगे, सीमांत घर्षण के नियम क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये नियम आपके लिखे हुए हैं, आप इनको लिख सकते हैं, मैंने वीडियो भेज रहा हूँ। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जहाँ पर R क्या है, ये प्रतिक्रिया अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। या F इक्वल टू क्या हो गया आपका, म्यू R, यहाँ से म्यू इक्वल टू आ गया F अपॉन R, म्यू एक घर्षण गुणांक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका म्यू R, ये Y बल इसमें आरोपित है। तो यहाँ से म्यू बराबर क्या होता है, टेन थीटा, जिसे हम क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं, या थीटा इक्वल टू आप कह सकते हो कितना, टेन इनवर्स म्यू, ठीक है। अब देखिए स्थैतिक घर्षण क्या होता है, ये आपके वीडियो भेजी रहा हूँ, आप देख लीजिए इसको, एक एक लाइन में आपके सामने दिखा रहा हूँ। गति घर्षण किसे कहते हैं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति करती है तो उन तलों के बीच में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, गतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल के नियम होते हैं उसी तरीके से, जैसे कि अभी हमने सीमांत घर्षण के नियम पढ़े, Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो Fs इक्वल टू हो गया म्यू एस आर, म्यू एस क्या है आपका, स्थैतिक घर्षण गुणांक। इसी प्रकार से गतिक घर्षण बल के भी क्या होते हैं, नियम होते हैं। पहला नियम ये है, ठीक है, दूसरा नियम ये है, और तीसरा नियम ये है, और चौथा नियम ये है, ठीक है। आप लिख सकते हैं, भेज रहा हूँ, ये आपको मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ वीडियो में। तो वहाँ पर आपका एफ एस था, यहाँ पे होगा म्यू, एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, या एफ के इक्वल टू म्यू के आर, जहाँ पे म्यू के क्या है, गतिक घर्षण गुणांक है। इसके बाद आता है इसमें विराम कोण, ठीक है। तो विराम कोण ये भी एक विशेष प्रकार का कोण होता है, जो कि घर्षण कोण के बराबर होता है, एक आनत तल और क्षैतिज के बीच बने कोण का वह अधिकतम मान, जिससे अधिक होते ही वस्तु फिसलना प्रारंभ कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, विराम कोण कहते हैं। और विराम कोण सदैव किसके बराबर होता है, घर्षण कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो इतना आपको मैंने वीडियो भेज दिया है, इसको देख लीजिएगा।